बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसकी कथा है निशुंभ का वध। ऋषि से राजा ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने लगा। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हो। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने शुरप्र नामक वाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसको देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़ों में बांट दिया। निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया, देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका, देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थी, उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया तथा अति दुःसह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया, टंकार की, अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। उसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अंबा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो जय हो जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया।
शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अंबा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उस सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खंग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते ही वह पृथ्वी पर गिर गया। इसके बाद सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूति भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े बहा पराक्रमियों का कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। बोलिए माता वैष्णवी की जय, बोलिए माता काली की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय समाप्त होता है। तो स्नेह के साथ, प्यार के साथ बोलिए माता दुर्गा की जय, माता दुर्गा की जय, माता दुर्गा की जय।